राधे राधे आप सभी को। अभी हम जो है कहाँ है, रेलवे स्टेशन पे एजर्ट नगर, और आज हमारे साथ हमारी पूरी पलाटन है। पलाटन में कौन कौन है? ये बुआ है और ये मम्मी और ये फूफू, ये फूफू, ये पोपू, पॉप्स। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन और स्टेशन पे आ चुके हैं। आज हमारा आज है फर्स्ट स्टॉप अप्रैल, तो मेरे बर्थडे वीक पे हम पहले बिहारी जी के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और अभी बच्चों का है 11:30 और 11:30 बजे की ट्रेन है, आने वाली है 2-3 मिनट में। और ये लोग तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इन लोग को इतना डर लग रहा था जाने में ट्रेन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना कोई रिजर्वेशन था और वैसे भी नहीं जाते। हाँ, स्टेशन दिखाते हैं। और पता है ये लोग वैसे भी बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों, ट्रैवलिंग नहीं करते ना ट्रेन से, तो इसलिए आदत नहीं है। और मेरी वजह से आए हैं, तभी मैंने बोला चलो ठीक है हम चल देते हैं, फिर क्या करें, वरना तो ये लोग जा ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने हाँ बोली, तब ये लोग रेडी हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं स्टेशन। क्या कह रहे थे? ये देखो एजर्ट नगर रेलवे स्टेशन पे रेल कैफे भी है, इसमें पूरी रेल बनी हुई है और आराम पूरा आप डिनर एंजॉय कर सकते हैं। चलो आपको वहाँ जाके दिखाऊँ, ट्रेन एक तो आने वाली। ये देखो ये है रेल कैफे, इसमें आप डिनर भी ले सकते हो। ये है रेल कैफे, चलते हैं, 5-10 मिनट में हमारी ट्रेन भी आने वाली है। और हमारा पता है आज ही प्लान बना 1 अप्रैल को, और हम लोग आ गए, दिन में हमारा प्लान बना और ना रिजर्वेशन ना कुछ, और आ गए बिल्कुल सडन प्लान बना बैठे बैठे कि हाँ वृंदावन जाना है, बिहारी जी ने बुला लिया। जबकि मेरे को तो मेरा प्लान कहीं और जाने का था, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं जो है हम तुम्हें भी लेके जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज जाएंगे और कल वापस आ जाएंगे। सुबह ये पहुँचाएगी ट्रेन 4:30 बजे, देख लेना। ये देखो हम लोग बैठ गए हैं कोटा में और वो डैडी बैठे हैं। लेकिन हमने कहा ओढ़ लेंगे लेट के। हाँ भाई कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बुआ बताएंगी। फूफा जी को मच्छर काट रहे हैं, फूफा जी को मच्छर काट रहे थे फूफा जी, आप बिल्कुल सही है। और हम निकल लिए हैं बरेली जंक्शन से आगे उधर की तरफ। हाँ ये अभी बज रहा है 1, हम लोग और मम्मी खा रही हैं बनाना चिप्स और हम खाएंगे भुजिया। मम्मी को ट्रैवलिंग करते वक्त फ्रूट्स चाहिए, क्या कह रही, फ्रूट्स लाना भूल गई। लो मेरे हाथ में दे दो, ऑरेंज रखे हैं, अच्छा लो मेरे को दे दो। वो देखो हमारे बैग ऊपर रखे हैं। दो बज चुका है और इन लोगों की वार्तालाप अभी भी चल रही है। मैंने कहा दो बज चुका है और इन लोगों की वार्तालाप अभी भी चल रही है, और फूफा जी और डैडी सो रहे हैं, वो और मम्मी बातें कर रहे हैं। हाँ इन लोगों की वार्तालाप, ये देखो डैडी के पास कौन बैठा हुआ है। अरे जी इतना लड़ी हैं बहुत लड़ी हैं, अब जाके जी थोड़ी शांति में है। ये पिंक इनने बहुत लड़ाई करी है, मतलब हमसे नहीं और लोगों से। फूफा जी तो सो रहे हैं, अरे उड़ गए। हम फूफा जी को दिखा रहे, फूफा जी देख रहे हैं आँख खोल के, देखो 1 घंटा हुआ नहीं है। मम्मी को फिर भूख लगने लगी, कितनी भूख लग रही है इनको आज, वैसे नहीं खाएंगे, अज्ञानता बस खा गए थे। कोई नहीं अब खा लो, अभी ट्रेन कहीं पे रुकी है, 100 रो पे रुकी है, 100 रो ला मेरे को भी दे दो फिर भैया। कोकोनट वाले मुझे पसंद है। वो देखो सामने भैया बैठे हैं गोली बत्ती बनाने। ये देखो
गोली बत्ती बनाएंगे फिर उसके बाद मुंह में डाल लेंगे हाथ अपने। ये देखो कितना गुजुआ निकालने में लगे हैं। और वही हाथ ये मुंह में डाल ले रहे हैं। देखो गुजुआ निकालने हैं फिर मुंह में डालते हैं। हम 4:45 पे पहुंच गए हैं मथुरा। अब यहाँ से लेंगे ऑटो फिर चलते हैं। बहुत तेज की नींद आ रही है। ये हमें ऑटो मिल गया है मथुरा से वृंदावन विद्यापीठ तक का 200 रुपीज़। ये हम आ गए हैं 5:30 बजे भारती गेस्ट हाउस पे। और भैया को हमने फ़ोन कर दिया था तो उठ गए भैया। क्या तो फाइनली हम आ गए अपने रूम में 5:20 पे। 5:30 भी नहीं हुआ है अभी। फूफा जी तो रन सो रहे जय श्री राम। इधर तो राधे लगा दो ऊपर निकाल लो। बस राधे मत लगाना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पैसे देने लो निकालना। सुनो चलो ना हम लोग फ्रेश होके नहा धो के और थोड़ा सा रेस्ट करके निकल चुके हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहारी जी ने फिर से हमें एक बार वृंदावन बुलाया है और हम बहुत ही बढ़िया दर्शन करने वाले हैं आज बिहारी जी के और आप लोगों को भी कराएंगे। राधे 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 राधे। ये हम आ चुके हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। मदन मोहन जी के मंदिर और ये बहुत ही पुराना भव्य मंदिर है। ये देखो वाह। राधे 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 राधे। व्लॉग ले लेते हैं। हाँ देखो यहाँ से हम इस मंदिर से हमें यमुना जी दिखाई दे रही हैं। वो देखो ये अब हमें जाना है वहाँ। वो रास्ता है अब हम जाते हैं यहाँ से नीचे। वो किसका आश्रम है? कौन सा मंदिर है? ये राधा रमन जी का। नहीं 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 कौन सा? राधा मनमोहन मनमोहन जी का। सॉरी मदन मोहन मदन मोहन जी का। बताते और छोटे सी हैं।
कुछ खाया नहीं है सुबह से, देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट मिलता है तो। अभी हमने ऑर्डर करा है पराठे और फूफा जी ने करी है पाव भाजी और चाय, तो डैडी का पराठा आ चुका है, बाकी सबका आना बाकी है। पराठे तो वहाँ जो अपने लोग कहते हैं कम की फल मसूरी मसूरी। अब हम आ गए हैं पद यात्रा करते हुए, ब्रेकफास्ट कर लिया है बहुत अच्छे से, अब थोड़ा सा पेट में दम आई है क्योंकि पैदल ही चले पड़े हम तब से। अब हम आ चुके हैं यमुना जी, तो आप लोगों को दर्शन कराते हैं यमुना जी के, और हो सकता है कि बोट पे भी बैठे हम, तो ये यहाँ पे बोट चलती है दिखाते हैं। ये लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे यमुना जी को। ये हमने 40 रुपीज पर पर्सन करी है और पूरी बुक नहीं करी है हमने। हाँ चलो श्री बिहारी बिहारी जो जयते श्री स्वामी हरिदासो विजयते तदा। अभी इन्होंने हमें इसके सामने जस्ट अपोजिट साइड में रोका है, मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद बेचारे लेके आए हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद 2 मिनट बाद हमें वहीं पे ड्रॉप कर देंगे जहाँ से हमें लेके आए हैं। बोलो यमुना मैया की जय। सब वहाँ तक सब पूरा ये सब बाढ़ गया था। हमारा आधा डूब गया था। ओ ये सब जो ये फ्लैट व्लैट ये दिख रहे हैं। इनकी वजह से वो तो खैर आते रहते हैं, आते हाँ आते रहते, लेकिन इतना दर्शन वर्शन नहीं मिल पाए जितने इतने कम टाइम में आज हो पाए। सारी जगह के दर्शन हुए आज, इतने कम टाइम में चलेंगे फिर देखो जो जो मिलेंगे। हां अभी तो 10:30 हुआ है ऊपर जी, 3 बजे के लोग देखो सब बैठ रहे हैं, अब फिर चल रहे हैं वापस, भैया वहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। जहां भी राज मेरी राधे रानी, जहां भी राज मेरी श्याम प्यारी,
अब हम चल रहे हैं राधारमण जी के मंदिर और हमने टुक टुक कर लिया है। नैनीताल वगैरह जाओ जब तक बोटिंग नहीं करो तब तक लगता ही नहीं है। ये मोटर वाली बोटिंग थी। ये हम आ गए राधारमण जी के मंदिर। यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी भीड़ हो रही है। कहीं कोई कोई कम नहीं है। कोई मंदिर में ऐसा नहीं है जहाँ बुआ कह रही है देखो कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ भीड़ नहीं है। राजा रमन जी के मंदिर में कितनी भीड़ है। दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। इन्हीं के दर्शन हुए सबसे अच्छे। दोपहर का 3 हो गया है और हम लोग ने रेस्ट भी कर लिया अच्छा खासा। मतलब मैंने तो नहीं करा क्योंकि मेरे को काम करना था तो हम काम करते रहे, ये लोग रेस्ट कर रहे थे। और अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए और हमारी ट्रेन है 4:55 की। एक घंटा हमें पहुंचने में भी लगेगा स्टेशन, तो इसलिए हम 3 बजे निकल जा रहे हैं और 9 बजे बरेली पहुंच जाएंगे। ठीक है बाय बाय। मथुरा कैंट और अभी बज गया है 3:40 तो और है हमारी 4:55। और ट्रेन हमें यहाँ पे खड़ी मिलेगी 4:55 की ट्रेन है। सब पी डाली तब दे रही है। दो सिप लिए इतनी तो बनती है। ये लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है घूमने का। मेरे पास है व्लॉग में ये देखो कैसे जुआ बीनना है। ये ट्रेन हमारी खड़ी हुई है देखो और अभी 1 घंटा है चलने में। हम आ गए अजर नगर 9:10 पे। ठीक है बुआ राधे 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 राधे। हैप्पी जर्नी हैप्पी बर्थडे थैंक यू इन एडवांस। वो है अच्छा ये देखो कौन आया है। दुम 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 राधे राधे थैंक यू। मतलब मुझे ट्रेन है ना मेरी अभी कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग अभी घर अभी 1 घंटे बाद अभी जा रहे हैं। खुश रहिए खुश रहिए। सारे पटोल लिए चलो भाई कार की नहीं है कार की नहीं है बेटा की है स्कूटी की है। चलो भाई बाय। अरे साथ में अरे गोरु को जाना है। अरे यार अपना बैग ले आके ले लो यार। ठीक है राधे राधे फटाफट से चलने हैं घर। और ये बैग रखना है मुझे, अब दूसरा बैग लेना है क्योंकि मेरे को 1 घंटे बाद फिर निकलना है। मेरी ट्रेन है रुड़की के लिए मतलब हरिद्वार के लिए। वो फटाफट से चलते हैं। 10:30 की ट्रेन है और 9:30 बज चुका है।
बड़ा हैट्रिक हो गया। तो करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।